हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेलिस सावले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजट 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख या फिर 12 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक का है तो आपको महिंद्रा थार खरीदनी चाहिए, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है, जो कि ऑफ रोड में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, बट हाईवे पर या फिर नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है। या फिर उसे छोड़कर दूसरी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जैसे कि ह्यूंडई क्रेटा, उसके काफ़ी सारे मॉडल्स आपको टॉप मॉडल तक 20 लाख रुपये में मिल जाएगा। MG हेक्टर जैसी फीचर लोडेड लंबी चौड़ी गाड़ी लेनी चाहिए या फिर जीप कंपस जैसी गाड़ियां लेनी चाहिए तो 20 लाख रुपए में आपको क्या महिंद्रा थार को कंसीडर करना चाहिए या फिर इन्हीं सारी गाड़ियों में से किसी एक को कंसीडर करना चाहिए। तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लाइक कर बिना ना जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं 12 से 20 लाख रुपए में आने वाली गाड़ियों के बारे में। तो इंडिया में 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का जो सेगमेंट है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कारें मिल जाती है, जिस कार की रिसेल वैल्यू अच्छी है, जिस कार के फीचर्स अच्छे हैं, जिस कारों में सेफ्टी ज़्यादा है, पावरफुल है, सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। और इसमें से भी ऐसी कई कारें हैं जो कि आपको थार से भी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करती है, जिसमें कि टाटा हैरियर जैसी कारें भी शामिल है। तो ऐसे में इन सारी कारों को छोड़ते हुए क्या आपको महिंद्रा थार की तरफ जाना चाहिए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महिंद्रा थार लेनी किसको चाहिए। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग जिन्हें कि पावर चाहिए, जिन्हें एडवेंचर करना है, ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाना पसंद है जहाँ पर कि 4x4 की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लद्दाख, कश्मीर, स्पीति वैली, ऐसी सब जगह पर एडवेंचर करने जिसको जाना है। और उनका बजट बड़ी बड़ी रैली मशीन, यानी कि जो बड़ी बड़ी SUVs आती है 35-40 लाख रुपए की, फॉर्च्यूनर वगैरह जैसी SUVs जो लोग नहीं ले सकते, उनके लिए थार एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंडर 20 लाख रुपीज़ में थार से कैपेबल कोई गाड़ी है, और थार से कैपेबल गाड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर भी इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हो सकती जितनी कि थार है। क्योंकि सबसे पहली बात कि थार का जो शेप है वो बहुत छोटा है और थार काफ़ी ज़्यादा हल्की है, जिसकी वजह से वो फॉर्च्यूनर या फिर एंडेवियर जैसी बड़ी बड़ी SUV से भी ज़्यादा कैपेबल गाड़ी बन जाती है। तो सबसे पहले लोग जिन्हें एडवेंचर पसंद है, दूसरे जो लोग जिन्हें रोड पर रोड प्रेजेंस चाहिए या फिर रोड पर अट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि थार जो है वो अंडर 20 लाख रुपीज़ में आपको अच्छे से अच्छा मॉडल मिल जाता है, बट अगर आप उसे लेकर रोड पर निकलते हैं तो वो जितना अट्रैक्शन ग्रैब करती है उतनी शायद से 50 से 60 लाख की BMW जैसी लग्जरी गाड़ियाँ भी अट्रैक्शन ग्रैब नहीं करती, क्योंकि थार जो है वो बहुत ज़्यादा अनकॉमन गाड़ी है और वो जो है बहुत रेयर गाड़ी है। तो इस चीज़ की वजह से थार अगर आप रोड पर लेकर निकलते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ग्रैब करती है। और कई लोगों की चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी एक ऐसी हो जो कि लोगों से अलग हो, यानी कि जो सभी चलाते हैं वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो कोई नहीं चलाता ऐसी चीज़ हमें चाहिए, या फिर जो चीज़ किसी ने देखी ही नहीं है ऐसी चीज़ हमें चाहिए। तो उनके लिए थार एक परफेक्ट कार है, क्योंकि 20 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाती है और अंडर 20 लाख रुपीज़ में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ग्रैब कर सके। अब ये हो गए दूसरे लोग जिन्हें कि अट्रैक्शन चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि तीसरे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग जो इस गाड़ी को प्रीफर करते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो कि या तो अलोन ट्रैवल करते हैं या फिर दो लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं। तो हाँ, अगर आपकी ज़रूरतें ऐसी है कि आपको 3 या फिर 4 लोगों को गाड़ी में नहीं बिठाना है, आपको सिर्फ दो लोगों को ही ट्रैवल करना है और आप अकेले हैं, तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अकेले ड्राइवर के लिए या फिर एक थार एक ऐसी गाड़ी है जो कि ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतर गाड़ी है। तो जो अकेला आदमी ही इस गाड़ी को चलाना चाहता है, जिसे कि फैमिली वगैरह की कंफर्ट की कोई चिंता नहीं है, तो वो तो बेशक इसी गाड़ी की तरफ चाहिए। मैं इस गाड़ी को छोड़ के और कोई भी गाड़ी जो है आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये ऐसे 3 लोग हैं जो कि इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं।
ये हो गए कि किसे थार लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिसे कि अंडर 20 लाख रुपीस में थार को साइड करके दूसरी किसी गाड़ी की तरफ देखना चाहिए। तो अब बात करें ऐसे लोगों की कि जिसे महिंद्रा थार नहीं कंसीडर करनी चाहिए। ऐसे में से एक लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने फैमिली के साथ में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि थार जो है वो एक फैमिली के लिए बनी हुई गाड़ी नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या थार में 4 लोग कंफर्टेबल है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ बेशक 4 लोग काफ़ी अच्छे से गाड़ी में बैठ सकते हैं, पर वो एक फैमिली कार नहीं है। उसके 3 रीजंस है। सबसे पहला रीजन कि उसकी पीछे की रो में जाने के लिए आपको आगे की सीट को फोल्ड करके फिर पीछे जाना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता एक फैमिली कार के लिए परफेक्ट है। और बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन्हें ऐसा करना कई बार जो है वो थोड़ा मन में खटकता है। तो ये एक तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि उसकी जो पीछे की रो है वहां पर आपको कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलती, यानी कि वहां पर जो शीशा है वो खुल नहीं सकता है। तो कई लोगों को जिसे सफोकेशन की प्रॉब्लम से, तो उनके लिए काफी ज्यादा कठिन होगा उसकी पीछे की रो में बैठना। और तीसरा ऐसा पॉइंट है जो कि है बूट स्पेस। अगर मान लीजिए फैमिली कहीं भी जा रही है, तो उनके नॉर्मल लगेज बैग्स जो होते हैं उन्हें रखने के लिए बूट स्पेस चाहिए, जो कि थार में बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसमें बूट स्पेस चाहिए तो आपको बेशक सीट को फोल्ड ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि जो 2 लोग से ज्यादा है, यानी कि अगर 3 लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए थार बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। अब दूसरे जो लोग हैं वो है स्पीड लवर्स। स्पीड लवर्स से मेरा मतलब है कि ऐसे लोग नहीं है जिन्हें 100 120 पर गाड़ी पकाने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पावर तो चाहिए, बट वो स्पीड के लिए पावर चाहिए, क्योंकि दोनों पावर्स अलग अलग होती है। जिन्हें स्पीड के लिए पावर चाहिए उन्हें मैं ज़्यादातर सजेस्ट करूंगा एक सीडेन कार, क्योंकि सीडेन कार में बॉडी रोल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब थार जो है 2020 की जो थार है उसमें बॉडी रोल पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, बट फिर भी अभी भी अगर जो 2020 की महिंद्रा थार है उसे आप अगर 100 से अपर लेकर जाते हैं, तो वो गाड़ी जो है वो आपको थोड़ा ऐसे मतलब बॉडी रोल कहीं ना कहीं फील करवाती है। तो जिन्हें गाड़ी हाईवे पर ज़्यादा चलानी पड़ती है, या फिर जिन्हें स्पीड चाहिए तुरंत स्पीड में जाना है हाईवेज पर ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, तो उनके लिए महिंद्रा थार बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, क्योंकि महिंद्रा थार ऑफ रोड कार है, ना कि हाईवे कार। तो ये हो गए दूसरे लोग जिन्हें कि महिंद्रा थार नहीं लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि तीसरे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें महिंद्रा थार नहीं लेनी चाहिए। अब महिंद्रा थार की बात करें तो वो आपको जो है पावर तो देती है, बट सामने ही उसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। अब पहले बात करते हैं कि महिंद्रा थार की फ्यूल इकोनॉमी क्या है। तो अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं और पेट्रोल वेरिएंट है, तो आपको ऑलमोस्ट 8 9 की माइलेज मिलती है, वो डीजल वेरिएंट में 12 13 की माइलेज मिल जाती है, जो कि एक अंडर 20 लाख रुपए की जो दूसरी गाड़ी आती है वो इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड करवा देती है। तो माइलेज के मामले में तो ज़्यादा मेंटेनेंस देती है, बट इसके इंश्योरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस है, जो कि अंडर 20 लाख रुपीज़ में आने वाली कई गाड़ियों से 2 गुना है। यानी कि कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसका इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 30 to 40,000 रुपीज़ में हो जाता है। वहीं महिंद्रा थार की बात करें तो 75,000 रुपीज़ 1 ईयर के इंश्योरेंस के लिए काफ़ी सारे लोगों के लिए देना थोड़ा सा खटकता है। और इसका जो सर्विस कॉस्ट है, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा कैपेबल होगी, तो गाड़ी के लिए सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। तो हाँ, जो लोग गाड़ी को लेकर अगर उसे मेंटेन करने में ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना चाहते, उन लोगों के लिए महिंद्रा थार बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो अगर बात करें कि किस लोगों के लिए बनी है और किस लोगों के लिए नहीं बनी है, तो इस पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और
ये वीडियो को देखकर आप जो है, अगर अभी भी आपका मन है महिंद्रा थार लेने का, तो आपकी पूरी ज़रूरतों को समझे, पूरा अच्छे से सारी चीज़ें नोटिस करें कि कभी 4 लोगों को ट्रैवल करना है, कभी 2 लोगों को ट्रैवल करना है, कितना ट्रैवल करना है, कहाँ ट्रैवल करना है। बाद में 2-3 और गाड़ियों की टेस्ट राइड ले, जो भी गाड़ी आपको समझ में आती है उसी गाड़ी को पसंद कीजिए। तो यही मेरा ओपिनियन है महिंद्रा थार को लेकर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।